प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी रिएक्शन हमें भेजते रहें 7000-969-440, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, आनंद आ जाता है। तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ दर्शकों ने तो हमें इस तरह से लिखकर भेजा कि हम प्रतिदिन के एपिसोड को अपनी डायरी में नोट करते हैं और उसके विषय वस्तु को, जिससे हम अपने कुटुंब में, अपने परिवार में उसकी चर्चा भी करते रहे। इसीलिए कई बार जब कोई भी ऐसा एपिसोड जो एक बार से अधिक दिखाया जा चुका है, कुछ दर्शकों ने कहा हमें समझ आ जाता है कि किन्हीं कारणों से ये रिपीट एपिसोड हमें दिखाया जा रहा है। आपकी सजगता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि गुरुजी की व्यस्तता, उनका आगमन, इधर उधर जाना, कई बार हमारी कार्य संबंधी व्यवस्था, लेकिन फिर भी हम इस कार्यक्रम से बहुत मन प्राण से जुड़े हैं, जैसे आप जुड़े हैं। आज हम जिस विषय पर बात करें, एक शब्द अगर आपने गौर किया हो तो मैंने प्रयोग किया कुटुंब, और भारतीय प्राचीन मनीषा का एक अद्भुत शब्द है जिसको हम कई बार सुनते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा यानी धरती, कुटुंब यानी परिवार। तो ये पृथ्वी यानी पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी कैसे सहोदर हो जाते हैं, कैसे एक भ्रातृत्व भाव में बंध जाते हैं, कैसे वो एक परिवार में बदल जाते हैं। पहले तो हम यही समझें कि कुटुंब और वसुधा का क्या संबंध है, और हम सब हैं तो कौटुंबिक परिवेश में, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कुटुंब के महत्व को समझते हैं। कुटुंब है क्या, परिवार है क्या? सारी उम्र में इस जीवन की दौड़ में भागा दौड़ा, अब किस काम का, अब किस काम का, गोली मारो बूढ़ा हो गया घोड़ा। ये एक हिंदी फिल्म का गीत था, चर्चित अभिनेता पर फिल्माया हुआ। परिवार क्या उपयोगिता के ही घटक का नाम होता है प्राण। आज हम इसके तमाम आयामों को, बिंबों को वैश्विक संदर्भ में भी, अपने नगर के संदर्भ में भी, प्रदेश के संदर्भ में भी, देश के संदर्भ में भी, कि वसुधा, कुटुंब, परिवार, और ये भावना इतनी विस्तृत और व्यापक कैसे हो जाती है किसी संस्कृति से निकली हुई, जो क्षितिज में ये गुंजा देती है वसुधैव कुटुंबकम। चलिए, हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष प्रणाम करा हूँ सर जी। आज आपने बहुत अच्छा विषय संदेश लिया है जी। इस पर वार्तालाप करने के लिए इतने आयाम हैं, तो इतने भाग हैं, लेकिन मैं आपको सुनते सुनते जिस ध्यान में लगा हूँ, तो मुझे लगता है कि माता रानी की कृपा से मैं इसकी कुछ मीमांसा विशेष करने का प्रयत्न करूँगा अपनी क्षुद्र बुद्धि का उपयोग करते हुए। सबसे पहले तो आपके शब्द वसुधा ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हम बड़ी सहजता से जिसे धरती कह देते हैं, पृथ्वी कह देते हैं, अर्थ कह देते हैं, तमाम प्रक्रियाएं, मैं इनकी उत्पत्ति का चिंतन करता हूं तो हमारे अध्यात्म में और हमारे वेद पुराणों में जब काल कर्म और स्वभाव से तीन गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ, और क्षोभ उत्पन्न होने से, त्रिगुणात्मक क्षोभ से पृथ्वी ने महतत्व की उत्पत्ति की, अर्थात पहली बार महतत्व आया, पंच तत्व आए, पंच प्राण आए, पंच तन मात्राएं आए, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण तत्व, देवता इत्यादि इत्यादि के स्वरूप से एक विहंगम स्वरूप बना, उसे पृथ्वी कहा गया। जब वो पृथ्वी निर्मित हो गई, तत्वों के आधार पर बन गई, तो पृथ्वी के बनने पर ये चिंतन किया गया कि इस पृथ्वी को रखें कहाँ, क्योंकि जलमग्न सृष्टि है। तब परमात्मा ने सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, कुटुंब पर चिंतन करना है तो कुटुंब के लिए किसी एक व्यक्ति की परिकल्पना करनी पड़ेगी। हम सृष्टि को उस समय देख रहे हैं जब कोई व्यक्ति है ही नहीं, है ही नहीं। ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है, किसी भी मनुष्य का मैथुनी जन्म नहीं हो रहा है, कोई मनुष्य नहीं है। तो ब्रह्मा ने अपने दो भाग करके मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। उन्होंने कहा आप बनाओ तुम परिवार, बढ़ाओ तुम दुनिया। उन्होंने कहा कहाँ आधार दीजिए, कौन सा आधार? तो जलमग्न पृथ्वी वहां से वंदना कर रही है, आर्तनाद कर रही है, परमात्मा वाराह का रूप धारण करके जा रहे हैं और अपनी दंत शिखाओं पर लेकर के पृथ्वी को ऊपर लाकर भेंट कर रहे हैं पहले मनुष्य को कि ले बेटा इस पर कुटुंब बना।
इस पर कुटुंब बना। अब वो धरती के जो अधिपति हुए पहले वो मनु हुए, और मनु से जितने लोग उत्पन्न हुए वो मनुष्य हुए। मनुष्यों ने कुटुंब के निर्माण की जब प्रक्रिया शुरू की तो मनुष्यों को ये प्रक्रिया बनाई गई कि मनुष्य अजर हमारा अनादि तो है नहीं ना, नाशवान है, शरीर से उत्पन्न हुआ है। तो शरीर से उत्पन्न होने वाले मनुष्य ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त किया, शरीर के अंगों को नहीं, शरीर के आधार को दो भागों में विभक्त किया। एक को उसने कहा पुरुषार्थ करेंगे, बोले अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो क्या करेंगे, तो वेद वाणी गुंजी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये काम करेंगे। मनुष्य आया है संसार में चार कर्म करने के लिए, केवल चार कर्म है मनुष्य के, एक धर्म है, एक अर्थ है, एक काम है, एक मोक्ष है। तो बोले ये चार कर्म करते समय कहीं पड़ाव लेंगे, कहीं रुकेंगे, तो बोले चार जगह तुम्हारा ठिकाना होगा, आश्रय होगा। तो चार आश्रम बना दिए, एक को कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम बनाएंगे, एक को कहा गृहस्थ आश्रम बनाएंगे, एक को कहा वानप्रस्थ आश्रम बनाएंगे, और एक को कहा संन्यास आश्रम बनाएंगे। तो ये चार पड़ाव चार पुरुषार्थ के रुकने के ठिकाने हो गए। बहुत समझने वाली बात यह है कि धर्म को उस समय मनुष्य ने समझा, पहले मनुष्य ने धर्म को पहले मनुष्य ने समझा। धर्म का अर्थ ही होता है जान लेना स्वयं को। वाह। तो आप कुटुंब के सदस्य तब बनेंगे ना, वसुधा, वो धरती वसुधा हो गई क्योंकि परमात्मा ने वसु बन के उसको धारण कर लिया, अनंत ने धारण किया। पृथ्वी अनंत के सर पर रहती है, ध्यान रखिएगा, शेष का एक नाम अनंत है। तो हमारे यहां जैसे ही वसु बने हुए अनंत ने धारण किया, इसका नाम हो गया वसुधा। उनने धारण किया अनंत, अर्थात दुनिया नष्ट होते रहेगी, आते रहेगी, जाते रहेगी, लेकिन ये तत्व विलीन होकर समाहित रहेंगे और सदैव फिर से बन जाएंगे किसी कुटुंब के लिए। जब कोई मनु आएगा संसार में, जब कोई धारण करने वाली उस अधिपति की प्रक्रियाओं की वंदना करने के लिए आएगा, तो उन्होंने कहा खुद को जानने का प्रयत्न करेंगे, स्वयं का आत्मसात करना है धर्म। इसलिए कहते हैं धारण इति धर्मा। उसने जैसे ही वसुधा को धारण किया अपने धर्म में, कि इनने मुझे धारण किया, मैंने इसे धारण किया, हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए, इसी धरती से बने हैं, इसी धरती में मिलेंगे। तो अन्योन्याश्रित संबंध के आधार पर धर्म हुआ। तो धर्म धारण करने स्वयं को समझने के लिए था। तो स्वयं को कौन समझता है? जो ब्रह्म को समझता है। ब्रह्म को कौन समझता है? जो ब्रह्म की तरफ विचरण करता है। इसलिए पहला आश्रय मिला ब्रह्मचर्य आश्रय। ब्रह्म को जान लेना ही ब्रह्मचर्य आश्रय है। मैंने कहा है आपसे, ज्ञान वो है जो ब्रह्म को ज्ञात करा दे, ब्रह्म वो जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा हम प्रत्येक कर्म ऐसा करेंगे जिससे अपने स्वयं की पहचान बना सकें। परिवार में हम अपनी पहचान खो देते हैं, भौतिक पहचान, परिवेश में, क्यों? आडंबर और पाखंड हमारे आसपास आ जाता है तो हमारा व्यक्तित्व तो धूमिल होकर अदृश्य हो जाता है। अदृश्य, सदैव दृश्यवान बने रहना है तो धर्म को ब्रह्मचर्य में विलीन होना होगा। तो यहां पुरुषार्थ का सामंजस्य स्थापित करने लगे। ब्रह्मचर्य को किससे मिला दिया? धर्म से। फिर दूसरा आया अर्थ। हम चूंकि अपनी विषयी मूर्ता में अर्थ निकाल लेते हैं, तो अर्थ को हमें केवल धन संपदा माना, इसका अर्थ ही नहीं है। अर्थ का मूल स्वाभाविक शाब्दिक अर्थ है प्राप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति। हम यहां प्राप्त करने के लिए आए हैं क्योंकि खाली आए हैं। हर आदमी जो है प्राप्त करने आया प्राप्त है। आपसे कोई पूछे मनुष्य जीवन क्यों आए हो? प्राप्ति के लिए आए हो। तो किसको प्राप्त करना है? वही जिसको धर्म से जाना है, जिसको ब्रह्मचर्य से जाना है, उसको प्राप्त करना है। अर्थात तुमने मन रूपी तिजोरी में वो सब जोड़कर रख लिया क्या जो तुम्हें साथ ले जाना है? ध्यान रखिएगा, प्राप्ति का अर्थ होता है अंतर चित्त में विद्यमान उस मन की तिजोरी में संग्रहित करना प्रक्रियाओं को, अप्राप्त को प्राप्त करना। तो हमने अर्थ समझ लिया धन। धन प्राप्ति नहीं है, अगर धन प्राप्ति होती तो तुम्हारे साथ जाता। वसुधा से उत्पन्न है, उसी में समाहित हो जाना है। ये मिट्टी, ये घर, ये घड़े, तुमने घड़ा प्राप्त कर लिया, अरे वो तो मिट्टी थी, पहले से था। तुमने एक स्वरूप बंधन को प्राप्त कर लिया। तुमने कहा मैंने रिश्ते को प्राप्त कर लिया, मैंने बेटे को प्राप्त कर लिया, मैंने भाई को प्राप्त कर लिया। ये प्राप्त कहाँ है? ये तो थे ही मिलने के लिए, ये तो थे। तुमको इनके अंदर की उस अनुभूति को प्राप्त करना था जो उसके अंदर जाना है। तो अनुभूति क्या है? अनुभूति है आनंद,
तुम्हें प्राप्त आनंद को करना है। तो जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया उसने गृहस्थ आश्रम को प्राप्त कर लिया। उस पड़ाव में रुकता ही आदमी इसलिए हमारे कहा यहाँ कहा गया है शरद जी धन्नो गृहस्थ आश्रम, चारों आश्रमों में से, चारों पड़ाव में से सबसे कठिन लेकिन सबसे सहज पड़ाव गृहस्थ जीवन का है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। आपकी दृष्टि नहीं बदलती तो आप भटकते रहते हो। और अगर दृष्टि बदल जाए तो देखोगे कि गृहस्थ को सबसे पहले उस परमात्मा की अनुभूति होती है। गृहस्थ के जीवन में सबसे पहले आनंद की अनुभूति होती है। आप देखिए ना घर में सबसे पहले आनंद कब मिलता है आपको, जब आप उस घर की अनुभूति करते हैं उस रूप में। अद्वैत हो जाना घर है, द्वैत हो जाना नहीं, अद्वैत हो जाना। तो आप तो द्वैत बने रहते हो ना, आप भेद करते हो। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठतम आश्रम कहा गया, उसमें वो जो अर्थ है वो प्राप्ति है। तो अगर आप संसार एक प्रश्न है डॉक्टर मन में, आपने बड़ी सुंदर बात कही, कौटुंबिक भावना से उत्प्रोत कौन है, अभी जो रागी है, अनुरागी है या वैरागी है? वाह, या आपने तीन और शब्द मुझे सुंदर दिए हैं जिसको मुझे पिरोने में अभी बड़ी सहजता होगी, क्योंकि उसी क्रम में है जी। राग के त्याग का उत्सव है ब्रह्मचर्य। वाह वाह वाह, राग के त्याग का उत्सव है ब्रह्मचर्य, आप ध्यान रखिएगा। और अनुराग को वरण करने का उत्सव है गृहस्थ। सर अनुराग को वरण करने का, वरण्यम है वो अनुराग। तो प्राप्ति अनुराग की होती है, त्याग राग का होता है। तो जैसे ही तुम्हारे जीवन में अनुराग की प्राप्ति हुई वैसे तुमने गृहस्थ आश्रम में आनंद की प्राप्त कर ली। और आनंद ही ब्रह्म है, ध्यान रखिएगा, परमानंद नाम है परमात्मा का। तो वो आनंद की आपको मिलाते चलना है, क्योंकि कुटुंब बन रहा है, अभी कुटुंब बना नहीं है। ध्यान रखिएगा कुटुंब और परिवार में बड़ा अंतर है। परिवार से तो छोटा शब्द हो गया फैमिली, जैसे वसुधा से बहुत छोटा शब्द हो गया संसार। जिसने वसुधा को नहीं समझा वो संसार में फंसा रहता है, माया में। माया वसुधा में माया नहीं है, ये बहुत वसुधा में माया नहीं है, ध्यान रखिएगा। वसुधा अनंत के शीश पर है जी, जी, जी। वसुधा में माया नहीं है। तो आप देखिए अनुराग को प्राप्त कर लिया आपने, किसमें? गृहस्थ जीवन में प्राप्त कर लिया, उस आश्रम में अर्थ के साथ। तो अर्थ ही अनुराग है, अर्थ ही अनुराग है। और ये जो विभेद करने वाला भेद था, द्वेष ही राग है। तो द्वेष से विरक्त होने पर ही धर्मवान बनते हैं आप, ठीक बात। अब आप देखिए फिर तीसरी स्थिति आई, तो पड़ाव, तीसरा पड़ाव कब आता है जीवन में? तीसरा भी कुटुंब बन रहा है, अब दो सीढ़ियां चढ़ गए, आपके कुटुंब की प्रक्रिया पूरी हो रही है, अब आप तीसरी सीढ़ी में पहुंच रहे हैं। तो तीसरी सीढ़ी में क्या आ गया? काम, धर्म, अर्थ, काम। और इसमें आश्रम कौन सा आ गया? वानप्रस्थी आश्रम। कमाल की बात है, हमने इस पर चर्चा की है, ध्यान रखिएगा। हमने कहा था कि वैराग्य से काम का उपयोग वैराग्य भाव से करना ही विवाह है। मैंने आपसे कहा था विवाह काम के त्याग का नाम है, कामना नहीं है विवाह काम। और काम शब्द जो है, यहाँ जो काम है, ये काम शब्द सेक्स का प्रतीक नहीं है। काम आते ही हम सोचते हैं विषय वासनाओं पर चिंतन कर रहे हैं, काम वो नहीं है, वो प्रक्रिया नहीं है। काम का यहाँ अर्थ है कामनाएं। आपके अंतर मन में जब अनुराग उत्पन्न हो गया ना, तो फिर से वो अनुराग आसक्ति में ना बदल जाए। बहुत सुंदर, क्योंकि कुटुंब के रास्ते में सबसे बड़ा भय आसक्ति का है। कितना बड़ा कुटुंब रावण का, कितना बड़ा कुटुंब कौरवों का, उस आसक्ति में विनष्ट हो गया, कुटुंब नहीं बन पाया। कुटुंब नहीं बन पाया क्या? तो कामनाओं का त्याग कर देना ही काम की प्राप्ति है, वो मिलेगा वानप्रस्थ जीवन में। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से ग्रहण करना और जानना कि ये मेरा वसुधैव जो पूरा एक अनंतता जो है, ये मेरे जीवन चक्र का एक आधार है। मैं यहाँ के अधिपति का वंश हूँ, अंश हूँ। मैंने जो प्राप्त की थी वो मेरे पास है, जो मुझे छोड़ना है वो मैंने छोड़ दिया। तो विरक्ति, वैराग्य, अभी आपने जिस शब्द का उपयोग किया था, राग, अनुराग और वैराग, वैराग है काम की सफलता, वैराग है काम की सफलता। और फिर आप आशय के उस ठिकाने पर पहुंचते हैं, जैसे ही आपने इस काम को प्राप्त कर लिया, इस काम को,
जिसका अर्थ जो है वैराग्य है। तो जब आप वैरागी हो गए, रागी नहीं थे, अनुरागी हो गए और अनुरागी से वैरागी हो गए, तो फिर आप उस सफल चितेरे की तरह हो गए जिसने एक कुटुंब का निर्माण कर लिया है। ध्यान रखिएगा, अब वो मुक्ति पथ का प्रदर्शक है, अब उसको मोक्ष ही प्राप्त होगा उसके जीवन में, अब उसके जीवन में वो न्यास मिल गया जिसको सन्यास कहते हैं, और जब उसकी प्राप्ति उसको हो जाती है तब वो एक ऐसा चितेरा बन जाता है जिसको पृथ्वी सम्मानित करती है और उसको कहती है ये इन्होंने मुझे बनाया है कुटुंब, ये इनकी वसुधा कुटुंब है, तब उनका अनुसरण करते हैं। कुटुंब को ही बोलचाल की भाषा में हम खानदान कहते थे एक जमाने में। तो जिस परिवार में इस कुटुंब की परंपरा है, अर्थात उसने धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्राप्त कर लिया और उसने चारों ही आश्रमों में जयता प्राप्त कर ली, तो इन दोनों में जैसे ही समन्वय हुआ वैसे ही कुटुंब का निर्माण हुआ, और वो कुटुंब वसुधा अपने शीश पर लेकर रहती है और उससे आप वसुधेव कुटुंबकम कहते हैं, तब उसकी दृष्टि भेद खत्म हो जाती है, तब उसकी दृष्टि में उसके ना रहने पर अनंतता से उसका परिवार चलता है। बाबा तुलसी इस कुटुंब को बहुत सुंदर परिभाषित करते हैं सरज जी। बाबा तुलसी कहते हैं, देखा उन्होंने कि लोग तुलसी के पत्ता को तोड़ तोड़ कर रख रहे हैं कि इसकी पूजा करेंगे, देखा उन्होंने गंगा के जल को ला करके शीशी में भर कर रख रहे हैं, यही गंगा जल है, बाकी तो जल है ही नहीं है, देखा उन्होंने कि एक शालिग्राम की शिला को बटोही को लिए घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो परिवारवाद वाले लोग हैं, ये कुटुंब नहीं बन पा रहे हैं, ये वसुधा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये पुरुषार्थ के पराक्रम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये आश्रमों को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कहते हैं, सारे वन तुलसी लगे, सारे वन, वसुधा ऐसे ही कुटुंब नहीं बनती, सारे वन जिस पत्ते को देखा, जिस पेड़ को देखा, जिस जल को देखा, सारे वन तुलसी लगे हैं। पर्वत शालिग्राम, जहां पर्वत दिखा तो उसे लगा, अरे वाह ये तो मेरे प्रकृति की देवी का स्वरूप दे देना धरती को, धरती के रग रग में कण कण में परमात्मा की अनुभूति करना, ईशावाश्रम विदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, क्षण क्षण में घट घट में उसी को देखना, सर्वभूत हितृता हो जाना। तो जब उन प्रक्रियाओं को देख लिया तो सारे वन तुलसी लगे, और पर्वत शालिग राम और हर नदिया गंगा लगे, तो जानऊ आतम राम, फिर तो जहां जल देखा वहां गंगा देखा, दृष्टि दोष दूर हो गया। तो यदि ये भाव तुम्हारे भौतिकता के आधार पर परिवार पर समाहित हो जाए तब तुम कुटुंब का निर्माण करोगे, अन्यथा परिवार फैमिली और एक छोटे घरोंदे में बना करके मिट जाओगे। वसुधा को बड़ा दुख होगा कि ये मेरी कैसी संतान आई मेरे पास जिसने जीवन में प्राप्ति नहीं। अद्भुत डॉक्टर साहब, अद्भुत, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। मैं जब ये विमर्श आरंभ हुआ तो मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि इस छोर तक आप हमें ले जाएंगे। अब मैं समझ पाया कि कितना पवित्र भाव इस सनातन भूमि से फूटा होगा। क्या उत्तरी ध्रुव, क्या दक्षिणी ध्रुव, क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या जापान, तुलसी बाबा क्या कह गए हैं, क्या वोल्गा से गंगा तक सब एक ही है भैया। टेम्स नदी हो लंदन की, वोल्गा हो रूस की, गंगा हो हमारी। आप देखिए कि जब सारी नदियां गंगा लगे, सारे पर्वत शालिग्राम, ओहो, और सारे वन तुलसी लगे, ऐसे आत्म राम। जब आपकी आत्मा में राम का व्याप्तिकरण, यानी जिस भी आप, जिस ईश्वर की आप बात सोचते हैं वो समा जाता है, सब भेद समाप्त हो जाते हैं, और उसी दिन वसुधा स्नेह से भरकर आपको देखती है। वो कहती है, अब तुम्हारा पुरुषार्थ सफल हुआ, अब हो तुम इस धरती के आभूषण, अलंकरण हो तुम, और तभी आप मुक्ति के लिए तैयार भी होते हैं। जब तक मेरा तेरा ये इसके लिए उसके लिए, आज मैं उस विराट भाव को समझ पाया, बहुत छोटा अपनी अल्प बुद्धि से। डॉक्टर साहब फिर प्रणाम कर रहा हूँ आपको, अद्भुत विषय था आज का, कभी नहीं सोचा था मैंने कि यहाँ तक हमें ले जाएंगे आज हमारे विद्वान वक्ता। बने रहिएगा, देखते रहिएगा ये कार्यक्रम, वाकई ये एक अद्भुत चिंतन का प्रतिनिधि कार्यक्रम है और इसका श्रेय हमारे विद्वान वक्ता को है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित हूँ। प्रणाम।